नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम दिखा रहे हैं आपको एक ऐसे पुल को जो पानी में तैरता है। यह पुल सरजू नदी पर बना हुआ है, अंबेडकर नगर के कमरिया घाट पर। यह पुल अंबेडकर नगर और गोरखपुर को आपस में जोड़ता है। इस पुल पर काम करने वाले दिन रात जागकर इसको हमेशा मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि तेज़ रफ्तार से जब गाड़ियां आती हैं तो इस पुल पर अक्सर कोई ना कोई प्लेट टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यह पुल पानी के ऊपर तैरता रहता है और वजनदार गाड़ियों के आने की वजह से यह हमेशा हिलता भी रहता है। यहाँ पर हमारी तलाल मीडिया टीम पहुँची और यहाँ के लोगों से, यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों से बात की और उन्होंने इस पुल के बारे में विस्तार से बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दलाल मीडिया। इस समय मैं मौजूद हूं अंबेडकर नगर के कमरिया घाट पर, जहां पीपा के पुल पर लोगों का आना जाना होता है। ये पीपा का पुल सन 2000 के दशक में मुलायम सिंह ने दिया था। यह पीपा का पुल अंबेडकर नगर और गोरखपुर जिले को जोड़ता है, सरजू नदी के ऊपर बंधा हुआ है। यहाँ काम करने वाले हमारे सामने मौजूद हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं, कैसे यात्रियों की मदद करते हैं, इस पुल में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या इनको सहयोग करना पड़ता है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ हमको 13 साल हो गया। 13 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 13 साल से कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कत होती है आपको, क्या क्या करना पड़ता है? नट बोल्ट टूट गया या कुछ भी परेशानी हुआ, कोई भी दिक्कत हुआ तो उसको सही कर देते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलता होगा कि नट बोल्ट टूट गया? बैलेंस हो जाता है पीपा। अच्छा, बैलेंस हो जाता है। जैसे पीपा सीधा है, जब नट बोल्ट टूट जाएगा तो बैलेंस हो जाता है। और क्या क्या दिक्कतें आती होंगी? और जैसे नदी बढ़ गई, झार और आके टंग गया, मुर्दा भी टंग गया, तो उसको सबको निकालना पड़ता है। तो अच्छा, ये बताइए कि सैलरी कितना आप लोगों की मिल जाती है? सात आठ हज़ार। क्या इतने में गुजर बसर हो जाता है? नहीं होता। लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना ही पड़ता है। आप लोग रात को भी जागते हैं या रात में किसी और की ड्यूटी होती है? नहीं, रात को भी आते हैं। कैसे पता चलता है रात को की रात में? गाड़ी जाम हो जाती है तो चले आते हैं। क्या क्या आप लोग यहाँ करते हैं? जैसे प्लेट टेढ़ा हो गया रात में तो भी सीधा करते हैं, और कोई परेशानी आ गया तो भी हम लोग आ जाते हैं। ये पुल कब बना था? ये पुल कभी नवंबर में चालू हो जाता है, कभी दिसंबर में चालू हो जाता है। बंद कब होता है? 15 जून को बंद हो जाता है। 15 जून को बंद होता है। कितना दिन चलता है कंटिन्यू? ये अब यही गिनती कर लीजिए कितने दिन हुआ। ये बताइए, जैसे इस पे कभी कभी बीच में गाड़ियां भी फंस जाती हैं क्या? हाँ, फंसती हैं, तो आके हम लोग देखते हैं उसको। कैसे वो निकलती हैं? जैसे प्लेट अगर टेढ़ा हो गया पलटी कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी निकलवा देते हैं। क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि जैसे कोई गाड़ी आई हो और धक्का मार के नीचे गिर गई हो, नदी में चली गई हो? उसमें कोई घायल हुआ था? हाँ हुआ। बचा लिया आप लोगों ने या? नहीं, बहुत तेज चलते हैं रात को। अच्छा, रात को यहाँ किसी से बोलने लायक नहीं है गाड़ी वाले। यानी कि रात में वो गिरे और बह गए। क्या नाम पड़ेगा भैया? सरपत्तू जी। सरपत्तू जी, बताइए आप क्या करते हैं यहाँ पे? सर हम काम करते हैं, प्लेट साफ करते हैं। प्लेट साफ करते हैं। कभी आप लोगों को भी चोट आती होगी? हाँ, उसके लिए मलहम पट्टी का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था? अच्छा अच्छा यहाँ है। जो ये सरकारी कर्मचारी लोग या अधिकारी लोग कब कब आते हैं यहाँ पे? वो क्या आए हैं अभी? सरकारी? आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? गोमती जी, बताइए कि इस पुल पे कितना खर्च हुआ होगा सरकार को बनाने? बहुत खर्च हो जाला। जैसे ऊपर तक खर्चा हुआ बता दे, हम पढ़ा लिखा लाई नहीं हूँ, बताई जब हम सभी बताएंगे। आप हैं, आपके सामने वो प्राइवेट है तो आपको कुछ और जानकारी होगी। जानकारी कुल जन्ना हमारे बाबा तने वो जानकारी। अच्छा, ये पुल कितना दिन पहले यहाँ बना? 2004 से लगा ना। हाँ, कितना मतलब इसमें खर्च आया होगा, कुछ आंकड़ा है? ये हमें अब कब से खर्चा है हमें कौन चीज़ बतावल जाए। अच्छा, ये बताइए कितने आदमी काम करते हैं यहाँ पे? ये हम क्या बात है, ये जाने हमें
लिखा पढ़ी का कुछ नहीं ओरिजिनल वाली बात है समान में सब बात एक आदमी घर पे गया एक वो तो घर ही गया। हम सब जी ये बताइए कि ये जब फूल चलता है इस वक्त ठीक उस वक्त जैसे ये लगा रहे हैं ये अगर रुक जाता है ठीक इसमें आप लोग भी कुछ सहयोग करते हैं या जो कर्मचारी के लोग ही लोग करते हैं? नहीं वो सब करते हैं हम लोग सहयोग करते हैं। आप लोग यहीं गांव के रहने वाले हैं? शादी ब्याह में जैसे जब ये पुल बंद हो जाता है ठीक लोगों का आना जाना रुक जाता है केवल एक ही साधन रहता है वो केवल नौका? नहीं नौका रहती खाली और कोई साधन? कोई नहीं साधन नहीं आती उस नौके पे काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को जैसे लोग डरते हैं जाने के लिए गाड़ियों को चढ़ाना पड़ता है उतारना पड़ता है शादी ब्याह जैसे यही एक साधन है आपका इस अम्बेडकर नगर को और गोरखपुर को जोड़ती है हाँ? इसमें जो भी दिक्कतें आती है नौका से क्या उस सभी लोग उसको समझ लेते हैं अच्छे से? ना दिक्कत रहबा करे तब जनता ज़्यादा हो जाले। तो ये थे इस पुल पे काम करने वाले कामगार और गाँव की जनता ये बता रहे हैं कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि अभी इधर कैमरा इधर घुमाइएगा सामने एक पुल बन रहा है जो बस्ती में बताया जा रहा है ये पुल कुछ दिन में अगर बन जाएगा तो ये समस्याएं लगभग दूर हो जाएंगी लोगों का आवागमन उस पुल से चालू हो जाएगा आप देख रहे होंगे सीधे। और बता रहे हैं कि इस पुल को जो बनने में दिक्कतें हैं चलने में दिक्कतें हैं रात में जब कोई यात्री आता है जाता है गाड़ियाँ आती हैं अगर तेज गति से होती हैं तो कभी कभी वो नदी में टूट के गिर भी जाती हैं उनको बचा पाने में कोई सहयोग नहीं मिल पाता इसलिए कि ड्राइवर अपनी मनमानी करके तेज रफ्तार से जब गाड़ियां लेके जाते हैं तो उनको शिकार होना पड़ता है नदी का और जब कोई प्लेट फंस जाती है गाड़ी नहीं आगे बढ़ पाती है तो इस पे काम करने वाले लोग समझ जाते हैं कि लग रहा है कोई दिक्कत है तुरंत रात विरात को तुरंत नीच से टूट कर जग कर भाग के आगे उस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं प्लेट को सीधा करते हैं पुल को दिन रात सही करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। दलाल मीडिया के लिए कैमरामैन आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल।